हिमाचल प्रदेश सरकार बेहतरीन शिक्षा की बात करती है, लेकिन जिला चंबा के अंतर्गत आने वाले राजकीय उच्च पाठशाला नैला में स्टाफ की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि स्कूल में छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के बच्चों की 130 संख्या है, लेकिन स्कूल में नॉन मेडिकल और शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के पद पिछले काफी समय से खाली पड़े हैं। पद खाली होने के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अगर नॉन मेडिकल और शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का पद भर जाता है तो स्कूल में स्टाफ की कमी पूरी हो जाएगी और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इस वक्त जो हमारे पास है एक TGT नॉन मेडिकल की पोस्ट वेकेंट है, जो सितंबर महीने से चल रही है 2023 से, और PTI की पोस्ट कम है। तो फिलहाल तो जो हमारे टीचर्स हैं वो मतलब उनके पीरियड लिए जाते हैं, और मैं खुद TGT नॉन मेडिकल रहा हूँ, तो मैं फिलहाल क्लासेज ले रहा हूँ। हम यही चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा जो वेकेंट पोस्ट चल रही है वो भर जाए। गौरतलब है कि राजकीय उच्च पाठशाला नैला में स्टाफ की कमी के चलते स्कूल प्रशासन ने प्रदेश सरकार से जल्द ही रिक्त पदों को भरने की मांग की है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार स्कूल प्रशासन की मांग पर क्या कुछ कदम उठाती है और खाली पड़े ये अध्यापक के पद कब तक भरे जाते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।